नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज बब्बर और स्मिता पाटिल का है। शादीशुदा राज बब्बर जब स्मिता पाटिल के साथ लिविन में रहने लगे तो उनकी खूब आलोचना हुई। लोग स्मिता पाटिल पर किसी का घर तोड़ने का इल्जाम लगाते रहे। स्मिता पाटिल और राज बब्बर एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। जीते जी सुहागन बनने की इच्छा स्मिता पाटिल की अधूरी रह गई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी कर ली थी। स्मिता पाटिल बेहद ही सादगी पसंद इंसान थी और उन्हें मेकअप से ज़्यादा लगाव नहीं था। एक दिन वो किसी फिल्म के सेट पर गई थी जहां अभिनेता राजकुमार का मेकअप हो रहा था। राजकुमार को सीन में मृत दिखाया जाना था, जहां पर वो जमीन पर पड़े हुए हैं। मेकअप मैन उनका मेकअप कर रहा था और तभी स्मिता पाटिल ने राजकुमार को देखा। उन्होंने मेकअप मैन दीपक सावंत से कहा कि वो उनका मेकअप भी इसी तरीके से करे। स्मिता पाटिल के मेकअप आर्टिस्ट ने एक बार एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म के लिए लेट कर मेकअप कराते देखा और मुझसे कहने लगी कि दीपक, मेरा इसी तरह मेकअप करो। और मैंने कहा कि मैडम, मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप कर रहा हूं। दीपक बताते हैं कि इसके बाद स्मिता पाटिल अक्सर उनसे कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। मरने के बाद स्मिता पाटिल की ये आखिरी इच्छा पूरी की गई और उन्हें एक सुहागन की तरह तैयार किया गया। कहते हैं स्मिता पाटिल अपने आखिरी दिनों में काफी अकेली हो गई थी। राज बब्बर भी उनसे दूरी बनाने लगे थे। राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी नादिरा को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। स्मिता पाटिल को राज बब्बर से एक बेटा हुआ, प्रतीक बब्बर। प्रतीक के जन्म के 15 दिन बाद स्मिता पाटिल का निधन हो गया। स्मिता पाटिल ने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी। भूमिका, चक्र, 2 बार तो नेशनल अवार्ड भी मिला। स्मिता पाटिल दरअसल 8 फिल्मों का वो नगीना थी जो उनके जाने के बाद एक खाली जगह छोड़ गया है। स्मिता पाटिल जैसे लोग वाकई रोज रोज नहीं आते। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।